दुनिया में लोग घर, होटल और मॉल बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शवों के दफनाने के लिए भी जमीन खरीदी जाती है? लेकिन ये सच है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां शव को दफनाने के लिए कफन की तरह जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ जमीन के लिए एक छोटे से टुकड़े की कीमत थोड़ी बहुत नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। दरअसल हांगकांग में जमीन बहुत महंगी है। यहाँ के लोगों को डेड बॉडी दफनाने के लिए जमीन के एक छोटे से हिस्से के लिए करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं। महंगी जमीन की वजह से लोगों ने यहाँ पर अब लाशों को जलाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ लोग लाशों को दफनाते नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ भी नहीं खत्म होती। अब लोगों के सामने ये चुनौती है कि लोग शव को जलाने के बाद उसकी राख को दफनाना चाहते हैं। जमीन की बढ़ती कीमतों से परेशान लोग शव के भस्म को अब सरकारी लॉकरों में रख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हांगकांग में करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों के भस्म अभी भी दफनाए जाने के इंतजार में लॉकर में पड़े हुए हैं। इन लॉकरों के लिए लोगों को किराया भी चुकाना पड़ता है। सरकारी लॉकरों में जगह न बचने की वजह से लोग यहाँ प्राइवेट लॉकरों में भी अस्थियां रखने लगे। ये लॉकर किसी जूते के डिब्बे के बराबर होते हैं, जिसमें थोड़ी सी जगह होती। ऐसे में हांगकांग में जमीन के दाम बढ़ने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। बताया जा रहा है कि साल 1970 में ही प्रॉपर्टी की कीमतें हांगकांग में आसमान छूने लगी। इसी दौरान लोगों के रहने के लिए जमीन के छोटे टुकड़े की अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए वहां की सरकार ने तय किया कि देश में नए कब्रिस्तान नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही आदेश दिया गया कि बनी बनाई कब्रों को खोदकर हर 6 साल में शव निकालकर उन्हें जला दिया जाए, ताकि नए आने वाले शवों के लिए जगह बन सके। इस अजीबोगरीब नियम के बाद भी वहां मरने वालों के पास चैन से सोने की जगह नहीं बन सकी। मृतक का नंबर 6 साल में आएगा, उसके बाद भी जगह मिलेगी या नहीं ये लॉटरी से तय होता है। ऐसे में अनुमान ही लगा सकते हैं कि हांगकांग में जीवन कितना मुश्किल होगा। यहाँ पर जगह की कमी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ लोग लकड़ी के ताबूत नुमा घरों में रहने को मजबूर हैं। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।